नमस्कार, खबरें एक मिनट में आपका फिर स्वागत है। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। पाकिस्तान ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। वहीं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। एक्ट्रेस पॉलिटिशियन बनी उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से थी परेशान। ओडिशा के माओवादी प्रभावित मलकानगिरी जिले की 23 वर्षीय आदिवासी लड़की अनुप्रिया बनी पहली आदिवासी महिला पायलट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मदद की पेशकश की है और कहा, पहले की तुलना में दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आई है। शशि थरूर ने कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र जाता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी के साथ खड़ी रहेंगी। हम पाकिस्तान को एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कम 10 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए इसके पीछे भारत का हाथ बताया है। और अंत में, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा ने मंगलवार को अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर चेयरमैन पद का पद छोड़ दिया है। हालांकि यह अलीबाबा पार्टनरशिप के सदस्य बने रहेंगे।